नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झूलिया ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम वज्र मुद्रा के बारे में। देखिए, मुद्राओं के सीरीज़ में बहुत सारी मुद्राओं के बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन उसमें से एक महत्वपूर्ण मुद्रा है जिसका नाम है वज्र मुद्रा। देखिए, वज्र मुद्रा जैसे कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, वज्र नाड़ी से संबंधित होता है। वज्र नाड़ी जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे मजबूत नाड़ी होती है। जिन लोगों को शरीर हमेशा थका थका महसूस होता है, डिप्रेशन की समस्या होती है, लो बीपी की समस्या होती है, वो यदि इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं या उसको बार बार लगाते हैं तो इस समस्या से बहुत हद तक राहत मिलने लगती है। शरीर में मजबूती और स्फूर्ति बनाता है ये मुद्रा। इसके साथ साथ थकान को मिटाता है, लो बीपी की प्रॉब्लम में बहुत आपको कमी देखने को मिलेगी इस मुद्रा के प्रयोग से। इसके प्रयोग से जो वज्र नाड़ी हमारी वो मजबूत होती है, उसको ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से शरीर की जो थकान है वो उसको भी दूर करने में ये मुद्रा बहुत सहायक होती है। अब कैसे लगाते हैं इस मुद्रा को? देखिए, इसको जब भी हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा, आपकी तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपकी जो बाकी चार उंगलियाँ हैं उनको इस तरह से अंगूठे के टिप से इस तरह से मिला देना है। अब ये उंगली आपकी सीधी रहेगी, चाहे आप इसको किसी भी मुद्रा जैसे पद्मासन में, सुखासन में बैठ कर लगाएं, या आप अपने हाथ को बिल्कुल इस तरह से अगर लगाते हैं तो ये हृदय के जो आपकी दिक्कत है, खासकर लो बीपी की दिक्कत है या ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत है, उसके लिए भी बहुत सुधार करती है। आप जब इसे लगा के इस तरह से करेंगे ना, आपको खुद ही ब्लड फ्लो महसूस होने लगेगा कि ब्लड का जो फ्लो है वो एकदम तेज़ी से शरीर में बढ़ रहा है। अब इसे करना कैसे है? आप इसको 5-5 मिनट करके 3 बार कर सकते हैं पूरे दिन में, या आप इसको 15 मिनट 1 बार में कर सकते हैं। ये मुद्रा बहुत मजबूती देती है आपके शरीर को, थकान को दूर करती है, एनर्जी बढ़ाती है, स्टैमिना बढ़ाती है, लो बीपी की समस्या को दूर करती है और शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो जो लोग इस तरह की समस्या से गुजर रहे हैं वो इसका प्रयोग ज़रूर करें और आप इसे महीने भर करें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अन्य आसनों का प्रयोग करें, भ्रामरी और उद्गीत जो प्राणायाम है उनका भी प्रयोग करें, और साथ ही साथ अनुलोम विलोम के साथ आप इस मुद्रा का प्रयोग करें तो आपकी लो बीपी, थकान, चिड़चिड़ापन, अवसाद की समस्या में ये मुद्रा बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।